सेड है यार वो जगह। अभी तुम्हारी सेडनेस का भी हम क्या करें, पड़ा हुआ है। जब भी मैं आता हूँ ये बंगाली टाइगर इधर ही भाई सोता रहता है। ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहा है यहाँ से भी, ये देखें भाई इस तरह लग रहा है जैसे माउंटेन के बिल्कुल केटू के उस पर आ गए। तो प्यारा घोड़ा है यार माशाल्लाह, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एज यू नो आई एम फ्रॉम द मक्का दोस्तों। जनाब सीन को जिस तरह के मौसम काफी ज्यादा अच्छा है और हम भी कहाँ भाई कहीं तो जाना होगा चक्कर सैल के लिए भाई, तो हम निकले हैं कहीं ना कहीं फुहार मारने के लिए। जनाब मेरे साथ आज का ब्लॉग काफी ज्यादा शानदार। पेशावर में बारिश हुई है अभी, देखें कितना प्यारा मौसम है। सड़क सारा भरा हुआ है। तुम भी जा रहे हो कहाँ पर? मुंह से आवाज तो निकालो ना। तुम क्या कह रहे थे? अच्छा पहले आयो इससे पहले यार, मौसम चेक करो ना यार कितना प्यारा मौसम है यार। ना अभी हम आ गए हैं पेशावर जू, बाहर खड़े अभी अंदर नहीं गए। पेशावर जू से रिलेटेड मैंने एक शानदार वीडियो पहले भी बनाई थी, तो जनाब जाना नहीं इंजॉय करें ठीक है। और जनाब अभी हम जा रहे हैं अंदर साथ ये कज़न और मेरा भाई जो कि ब्लॉगिंग कर रहा है ठीक है। तो अभी मौसम काफ़ी ये इस मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा भाई। तो जनाब अभी हम आ गए पेशावर जू और आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फिर आप कुछ कहना चाहोगे मौसम के बारे में, पेशावर जू के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर चक्कर लगाए ये मैं भी से मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जू है भाई। आपको पता है पेशावर स्थान में फर्स्ट जू है जो भाई इतना बड़ा है। जनाब व्यू चेक करें ठीक है, फैमिली के साथ भी लोग आएंगे और अभी हम जा रहे हैं आगे घूमेंगे ठीक है। घूमेंगे, अब्दुल्ला नाचेगा। नाचना आता है? शूट भी लोग कर रहे हैं। मैं पिछली दफ़ा आया था तकरीबन इवनिंग का टाइम था, मतलब दो बजे का टाइम है जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था। लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप थी और रश भी थी नहीं, लेकिन आज जो है ना मौसम अच्छा हुआ है और फैमिलीज के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं इंजॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाई। हम भी छोटी सी फैमिली के साथ आए हैं, बच्ची भी हमारे साथ आई हुई है। मीरा भी इसका नाम है। मीरा मेरी तरफ देखो, साइड पे इस तरह की एक जू भाई, इसमें आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें ये सामने एक ब्यूटीफुल ड्राइवर बैठा हुआ है ठीक है, आगे चलते हैं। आज रश मौसम काफ़ी ज़्यादा है। इब्राहिम भाई आप भी तो पहले भी पेशावर जू आए हो ना, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? थर्ड टाइम हम हियर। यस तीसरी टाइम यहाँ पे आए हैं। अच्छा स्पेशली दिस इज अ बिग जू, एवरीवन नो दैट। ये पता है, ये बहुत बड़ा जू है पाकिस्तान में, इससे बड़ा जू कभी हमने नहीं देखा होगा पाकिस्तान में। ये देखिए बच्चों के लिए अच्छे खासे झूले वगैरह भी लगे, ये छोटा सा पार्क भी है। मैं तो पिछले लोग भी डिटेल से भी इसके दिखा रहे, लेकिन मौसम अच्छा है तो काफी लोग आ जाए भाई इंजॉय करने। बारिश की वजह से देखे पानी भी खड़ा हो गया है। ये देखे भाई सामने जानवर जो बेचारे भाई पानी की वजह से बिल्कुल इनका बुरा हाल हुआ है। और एक चीज मजे की चीज मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत मजे की चीज। ये देखे छोटा सा घोड़ा, ये भी बच्चा, ये देखे भाई ये छोटा सा 50 रुपए कितना है इसका, कितना प्यारा घोड़ा है यार माशाल्लाह। ये देखे ऐसा लग रहा है जैसे मरी में बड़ी बुक बनी हुई है। सही है, इसमें जो है जानवरों के नाम वगैरह भी लिखे हुए थे। हाँ मेरा इधर देखो जनाब, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रश इसलिए ज़्यादा हो गई थी भाई कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, जिसकी वजह से भी रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई और जानवर बेचारे भी काफ़ी ज़्यादा खामोश कर दिए। हल्ता ये देखे भाई हैरान। और हेलो मिस्टर, ये मिस्टर है या मिसेस है अभी हमें क्या बता रहे? ये मिस्टर है, ये मिस्टर है, ये मिस है, ये मिस्टर है, ये मिस। हाँ हेलो कैसे हो? अच्छा तो जनाब अभी चलते हैं आगे ठीक है। अब्दुल्ला मेरे साथ है और अब्दुल्ला के दिल की फीलिंग्स चेक करते हैं कि अब्दुल्ला क्या कुछ कहना चाहोगे यार। मैंने आपसे तो बहुत पूछ लिया, लेकिन वो मिसेज और मिस्टर आपको कैसे लगे? बहुत
अच्छे थे ना, मिस एंड मिसेस नहीं, मिस एंड मिस्टर। किधर गए यार वो दोनों, वो इब्राहिम और वो सामने घूम रहे हैं। अब वो मेरे कजन वगैरह, उनको मैंने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, वो नहीं आए। तो वहाँ पर पहले थी, लेकिन वो बारिश की वजह से जो है ना वो गार्डन गीला हो चुका है। तो अभी मैं मस्जिद शायद फिर उधर उस नीचे वो बड़े सी टेंकी के पास जाना पड़े, क्या करें अभी देखते हैं यार। बात बताऊँ, मैं घूमते घूमते वही इसी मस्जिद की तरफ आ गया, क्योंकि वो तीन जगह पे मस्जिद थी, लेकिन वो टेम्प्रेरी थी। ठीक है, ये परमानेंट है, ये मस्जिद नहीं है। ठीक है, इधर ये इधर भी एक मस्जिद है, ये टेंकी के नीचे वजू तो हमने किया है। ठीक है, ये हफ्ता दे देखो। ठीक है, तो इधर नमाज पढ़ लेते हैं। ये देखिए छोटी सी मस्जिद बनाई है, गीली हो गई, थोड़ा सेटअप बनाया, लेकिन मस्जिद पे गई तखर्च नहीं की, ऊपर से सारा पानी आ रहा है, बारिश हुई है। वो जनाब नमाज करे, नमाज पढ़ ली बस, अभी फ्री है। ठीक है, तो अभी हम कज़न लोगों की तरफ के, वो कहाँ पर है, उनसे मिलते हैं दोबारा। तो जनाब अभी मैं जा रहा हूँ आगे मजदूर अफराद के लिए, दिस वे इस तरह एक पहाड़ी रास्ता है, लेकिन देयर इज सम लेडीज, जैसे ही वो आते हैं फिर हम और कुछ जाएंगे। तो जनाब इन लोगों ने एक छोटा सा यह पहाड़ सा बनाया हुआ है। ठीक है, लाइक इधर से पेशावर जू का पूरा व्यू नज़र आएगा, मेरा इतना ख्याल है। ऊपर जाते हैं पहले, इस साइड पे इस तरह जाते हैं। ठीक है, इधर से देखें भाई, ये मैं पिछली दफ़ा आया था, लेकिन मैंने इधर से ये कवर नहीं किया था ना, तो ये देखें कितना प्यारा ये सीन है इधर से भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मीन आपको अच्छा फील होगा भाई। मुझे लगता है वही रास्ता है जिस पे गोल गोल घूमते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है, कहाँ तक गए हुए हैं। तो इधर से भी व्यू तो नज़र आ रहा है, लेकिन सारे ट्रीज़ वगैरह हैं, तो इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा। तो ये फुल हम ऊपर, ठीक है, अभी इधर से व्यू चेक करते हैं, एंगल्स देखते हैं। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है पेशावर जू, और इस साइड पर फिर वापसी, दो तीन रास्ते गए हुए इसके। अच्छा, इधर से ये देखिए, अभी नीचे से आया इस तरह, ये गया रास्ता इस तरह, इस साइड से फिर आ गए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहा है यहाँ से भी, ये देखिए भाई इस तरह लग रहा है जैसे माउंटेन के बिल्कुल केटू के उस पे आ गए। तो चलते हैं दोबारा वापस नीचे की तरफ, तो ये रास्ता लेते हैं, ये भाई वापस रास्ता निकला हुआ है। ठीक है, इधर से बैग जाएंगे, तो इस तरह देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी आ रहे हैं। आ जाए तो वापस चलते हैं जनाब हम नीचे की तरफ, क्योंकि मेरा कज़न लोग भी मेरा वेट कर रहे हैं कि भाई हमजा कहाँ गायब हो गया है। तो बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने यहाँ से जाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या अच्छे हो, ठीक हो, रहता सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, तो बोले कि हम खुद यूट्यूबर हैं, मैंने कहा ज़्यादा बेहतर है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और इब्राहिम और जो कज़न लोगों को मैंने ड्रॉप किया था उनसे भी जाके मिलते हैं कि वो मुझे भी क्या बोल रहे हैं। सही है, ये सीन जो है ना, ये टाइगर यहाँ पर सामने पड़ा हुआ है, जब भी मैं आता हूँ ये बंगाली टाइगर इधर ही भाई सोता रहता है, इसका कोई काम है ही नहीं। बस कोरोना में लगता है ये भी बीमार हुआ था। फोटो शूट हो रहा है यार, इस साइड से चले जाएंगे। नाम तो इसको बंगाली टाइगर दिए, लेकिन बंदा बिल्कुल काम का नहीं है। आगे चलते हैं इस साइड पे, दिस वे टेक, वी विल टेक दिस। तो फैमिलीज भी काफ़ी ज़्यादा आई, अच्छी बात है, इवनिंग पे बंदे को निकलना चाहिए फैमिलीज के साथ। इधर क्या है यार, ये भी एक छोटा सा बच्चों का पार्क है, ये भी अच्छा है, बेस्ट है। जनाब सीन कुछ इस तरह है कि मैं काफ़ी टाइम से उनके पीछे घूम रहा हूँ, ज़्यादा रश है भी, मुझे पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर गायब हो गए हैं। तो सबसे साइलेंट एरिया पेशावर ज़ू का, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो एक लाइन भी है, और लाइन काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, बेचारा सोया हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, जानिए सारी नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ से, अभी सही नज़र आ रहा है। अच्छा,
ये देखिए भाई सेड है यार वो क्या। अभी तुम्हारी सेडनेस का अभी हम क्या करें, एंजॉय कर रहे हो फाइनली मिल गए हो थाले, मैं कितना घूमा हूं तुम्हें क्या पता है यार। किधर है आप? और तोकीर भाई भी लगता है खाई में, ये सामने है तोकीर भाई। तो ये तोकीर भाई आप लोग तो मुझसे गायब हो गए थे। अब्दुल्ला भाई आप भी हो, खुद से बच्चे ना बनाओ, मना बच्चा ना बनाओ खुद से यार। ये देखो दो ही बच्चे हैं। और जनाब सीन कुछ इस तरह है कि बच्चों के लिए झूले भी काफी ज्यादा बनाए हुए हैं, राइडिंग्स भी है साथ में, तीन चार चीजें और भी इस तरह है बच्चों के लिए इजी तरह। ये देखिए कितने अच्छे रिलैक्स शूट कर रहा है मीरा, मीरा की पिक्चर्स ले रहा है। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, इब्राहिम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? जब भी पेशावर आना चाहो तुम लोग ना, पेशावर जू, तो अपने माइंड में ये याद रखे वेदर अगर अच्छा है यहाँ पे तो दिन आओ, वेदर रेनी है तो आओ एंजॉय करो। वेदर हार्ड होता है पेशावर में 50 degrees, आई मीन 5 degrees होते हैं, तो मत आओ यहाँ पे, बच्चों के लिए अच्छी है। अगर आप लोगों ने वैसे और जू तो बना बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी आए हुए हैं इब्राहिम, लेकिन एंजॉय कर सकते हैं यार, एंजॉयमेंट प्लेस है तो जरूरी है भाई, बड़े भी आएंगे छोटे भी आएंगे। अब्दुल्ला भाई ये बच्चों के लिए, आप इधर आओ, आपने तो सॉन्ग लगाए हुए हैं यार, ये क्यों देख, चेक कर रहा हूँ चेक, ये लो यार वापस लो, अभी माइंड ना कर, चेक करता हूँ। अब्दुल्ला भाई आप पेशावर जू जू आपको कैसा लगा, वेदर कैसा लगा? भाई आप भी यहाँ पर चक्कर लगाए? मैं तो आया हूँ यार, मैं तो आया हूँ यार, चक्कर लगाए लेकिन साथ क्या करे। अब्दुल्ला भाई मोबाइल में यहाँ भी लगे हुए यार, छोड़ दो एंजॉय करो, झूले देखो, लोगों को देखो, सामने ये देखो, उधर झूले, उधर झूले, ये झूले सामने, सारे झूले झूले हैं भाई। भाई तुम्हें मैं एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि व्लॉगर्स को ये बात नहीं बताता, तो व्लॉगिंग के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम वो कौन सा है तुम्हें पता है? असर की नमाज के बाद जो ये जियास, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कैमरे का जो मिडिल टाइम लाइक 4 PM and 5 PM यू हैव टू कम हियर बिटवीन दिस टाइम, वो बेस्ट टाइम है व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो लाइट होती है वो काफी धीमी भी हो जाती है ना, लेंस भी अंदर अंदर, और जो शटर स्पीड है वो सब कुछ लेवल बराबर हो जाता है। इब्राहिम भाई भी वही ट्राईपॉड पकड़ा हुआ है, लगा हुआ है अच्छा भाई फॉर्म में, क्योंकि जबरदस्त वीडियो इसने बना दी है इंग्लिश में, तो अभी जा रहा है सेट। कब आकर आएगी यार? अब्दुल्ला के साथ आए हैं और अभी जा रहा है। इब्राहिम भाई किस टाइम निकलना है यार? इब्राहिम यू हैव टू वेट, हाउ मच you know the driver inside, how much the driver inside, actually driver inside gaye hue hai to hum uske liye wait kar rahe hain, wo jaise wo niklega to ye sham ka time hai, dekhiye kitna pyara view aa raha hai idhar se bhai, ye lighte lagi hui hai, ye hamare sath Abdullah bhai jo janab, I hope aap logo ne enjoy kiya to janab tab tak ke liye apna khayal rakhe, to hamara ye vlog yahan tak tha theek hai, to bas abhi hum ja rahe hain aur phir milenge, allah।